यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धर्मनगरी हरिद्वार में मां दुर्गा के कई मंदिर हैं, उनमें से एक है यहां का प्रसिद्ध गंगा के तट पर बना सिद्धपीठ दक्षिणकाली मंदिर। वैसे तो सिद्धपीठ दक्षिणकाली मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मान्यता है कि नवरात्रों के दौरान यहां पर भक्त मां के दरबार में प्रार्थना करते हैं और मां उनके हर एक मुराद पूरी करती है, हर एक मनोकामना को पूरी करती है। यहाँ की परंपरा, प्रधान परंपरा यह है, माँ भगवती को दुर्गा सप्तशती के प्रतीक लोग अत्यंत प्रिय है, दुर्गा सप्तशती के मंत्र प्रिय है, माँ को स्तुति अत्यंत प्रिय है, माँ को अरुण गुड़हल का पुष्प रक्त पुष्प अति प्रिय है। तो आज जो है वो रक्त चुन्नी, रक्त चुंदरी बहुत प्रिय है, रक्त वस्त्र अत्यंत प्रिय है और भगवती को पान अत्यंत प्रिय है, रक्त चंदन अति प्रिय है, गंध अति प्रिय है। तो मुझे लगता है कि माँ भगवती, मेरी माई जो माँ काली है, यहाँ साक्षात रूप से बैठी हुई हैं, साक्षात रूप से विराजती हैं। आप माँ का देखें, बिना स्नान किए, बिना श्रृंगार किए माँ का जो अभी स्वरूप है वो अत्यंत दिव्य है। वैसे तो सिद्धपीठ दक्षिणकाली मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मान्यता है कि नवरात्रों के दौरान यहाँ पर भक्त माँ के दरबार में प्रार्थना करते हैं और माँ उनके हर एक मुराद पूरी करती है, हर एक मनोकामना को पूरी करती है। यहाँ की परंपरा, प्रधान परंपरा यह है, माँ भगवती को दुर्गा सप्तशती के प्रतीक लोग अत्यंत प्रिय है, दुर्गा सप्तशती के मंत्र प्रिय है, माँ को स्तुति अत्यंत प्रिय है, माँ को अरुण गुड़हल का पुष्प रक्त पुष्प अति प्रिय है। तो आज जो है वो रक्त चुन्नी, रक्त चुंदरी बहुत प्रिय है, रक्त वस्त्र अत्यंत प्रिय है और भगवती को पान अत्यंत प्रिय है, रक्त चंदन अति प्रिय है, गंध अति प्रिय है। तो मुझे लगता है कि माँ भगवती, मेरी माई जो माँ काली है, यहाँ साक्षात रूप से बैठी हुई हैं, साक्षात रूप से विराजती हैं। आप माँ का देखें, बिना स्नान किए, बिना श्रृंगार किए माँ का जो अभी स्वरूप है वो अत्यंत दिव्य है।